एबीसी लिमिटेड हैज़ बिन मेंटेनिंग अ ग्रोथ रेट ऑफ 10% इन डिविडेंड्स। तो एबीसी की ग्रोथ रेट क्या है, 10% की है। द कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट द रेट ₹3 पर शेयर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा D0 गया क्योंकि पे कर चुका है ये। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 12%, यानी रेट ऑफ मार्केट क्या हुआ 12%, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट हैज़ बिन ऑब्जर्व एट 8%, तो रिस्क रिटर्न 8% का हो गया। बीटा को एफिशियंट बता रहा है, कंपनी इस शेयर इज 1.5, द बीटा हमारा 1.5 हो गया। तो यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कंपनी शेयर एज पर CAPM मॉडल। तो कह रहा है कि हमें CAPM मॉडल का यूज़ करके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है कंपनी के शेयर पर, एंड और इक्विवेलेंट प्राइस भी निकालना है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का यूज़ करके। तो पहले CAPM मॉडल देखो, CAPM मॉडल का फॉर्मूला है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या है 8% का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है, बीटा क्या है 1.5 है, फिर मार्केट का रिटर्न कितना है 12% का है। तो फॉर्मूले में सारे हमने डाल दिए तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गया 14% का। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है, यानी सिंपल सी भाषा में हमें प्राइस निकालनी है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का यूज़ करके। तो प्राइस का फॉर्मूला ये होता है, इसमें हमने D0 ये रहा देखो ₹3 का पे किया था, 1+ ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट 10% दे रखी है, सबसे पहली लाइन में बोल रखा था 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है 14%, ये देखो ये ना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ही तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, तो ये भी 14%। तो आंसर हमने फॉर्मूले में डाला, सारी फिगर्स डाल दिए तो हमारा आंसर आ गया 82.5 की, यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस ये पूछ रहा है वो 82.5 है, और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कितनी है 14%।